नमस्कार शिक्षक साथियों, ये आपके सामने एक शीट दिख रही है जिसे मैं आपके लिए तैयार किया हूँ। यह है अंतिम मूल्यांकन परीक्षा फल पंजी, जो कि शिक्षा सत्र 2022-23 जो कि अभी हम तैयार कर रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 3, 4 एवं 5 के 4 विषयों के 6 मासिक टेस्ट, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। इस शीट के माध्यम से आप आसानी से अपने पूर्णांकों पर ग्रेड का निर्धारण कर सकते हैं। इसको देखने से पहले हम देखते हैं इस शीट को। ये बहुआयामी परीक्षा फल पंजी का शीट है जिसे हम अंतिम मूल्यांकन पंजी या परीक्षा फल पंजी या फर्द के रूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये सब आपके पास पहुंच चुका होगा। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें वो पूर्णांक पता चलेंगे जिस पे हमको ग्रेड का निर्धारण करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले हम एक विषय पे जो मासिक आकलन है उस पे हमें 25 अंक के पूर्णांक पे ग्रेड का निर्धारण करना होगा। दूसरा पूर्णांक हमको मिलेगा एक विषय में 25 अंक तो 4 विषयों में 100 अंक, इस 100 अंक पे भी ग्रेड का निर्धारण करना होगा। एक महीने का 25 अंक का पूर्णांक है तो 6 महीने के मासिक आकलन का पूर्णांक हो जाएगा 150 अंक, इस 150 अंक पे भी हमको ग्रेड का निर्धारण करना होगा। इस 150 अंक के चारों विषयों 600 अंक पर भी हमको ग्रेड का निर्धारण करना होगा। ये तो मासिक आकलन का हो गया। अब हमारे पास है त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। अब इन तीनों को देखते हैं तो इसमें पूर्णांक जो है पहला एक विषय का 50 अंक है, इस पे भी ग्रेड का निर्धारण करना होगा। और चारों विषयों के पूर्णांक को जोड़ देते हैं अगर हम तो 200 अंक के पूर्णांक पे भी हमको ग्रेड का निर्धारण करना होगा। इस तरह हमारे पास कक्षा 3, 4, 5 के बहुआयामी परीक्षा फल पंजी के लिए कुल 6 तरह के पूर्णांक है जिसपे ग्रेड का निर्धारण किया जाना है। 25, 100, 150, 600, 50 और 200। यही ग्रेड के निर्धारण को सही तरीके से हो सके उसके सहयोग के लिए मैं यह शीट तैयार किया हूँ। इसको अच्छे से देखते हैं। अगर यह वीडियो उपयोग और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे, और इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे जिससे इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं जो शीट मैं आपके लिए तैयार किया हूँ। अंतिम मूल्यांकन परीक्षा फल पंजी शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 3, 4 एवं 5 के 4 विषयों के 6 मासिक टेस्ट, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के लिए है। 3री, 4थी, 5वीं का ये शीट है। पहली, दूसरी, चूंकि विषय 3 हो जाते हैं तो उसका एक अलग वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के अंत में मिल जाएगा। 6, 7, 8 में 6 विषय होते हैं उसका भी वीडियो तैयार है जो कि डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक मिल जाएगा और आपको वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, आप वहां से उसका भी सहयोग ले सकते हैं। इस शीट को देखते हैं। जैसे कि हमें पता जो ग्रेड है उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पूर्व से विभाजित किया जा चुका है। हमें पता है कि ए प्लस 91 से 100, ए 81 से 90, बी प्लस 71 से 80, बी 61 से 70, सी प्लस 51 से 60, सी 41 से 50, डी 33 से 40 और ई ग्रेड 0 से 32% पर निर्धारित किया गया है। जैसे हम फर्द के उस फॉर्मेट को देख रहे थे तो हमको पता हो गया है कि कौन कौन से पूर्णांक में हमको देखना है, तो उस पूर्णांक के आधार पर यहाँ पर अंकों को विभाजित किया गया है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखा गया है, जैसे हम जानते हैं 91 से 100% है, लेकिन अंक ऐसा होता है कि 90.5% भी अगर पाया है तो उसको पूर्ण प्रतिशत अगर हम लिखेंगे तो 91 लिखेंगे। इस बात का भी ध्यान रखते हुए इन अंकों का विभाजन किया गया है जिससे गलती ना हो सके। मासिक मूल्यांकन के एक विषय का प्राप्तांक जो कि पूर्णांक 25 है उसमें किस अंक से किस अंक तक कौन से ग्रेड में आएगा इसको देखते हैं। तो 25 पूर्णांक में 23 से 25 ए प्लस, 20 से 22 ए, 18 से 19 बी प्लस, 15 से 17 बी, 13 से 14 सी प्लस, 10 से 12 सी, 8 से 9 डी, 0 से 7 ई ग्रेड होगा। आगे देखते हैं मासिक मूल्यांकन के 4 विषयों के प्राप्तांकों का योग जो कि 100 है। इस 100 पूर्णांक में जब प्राप्तांक 91 से 100 होंगे तो ए प्लस, 81 से 90 ए, 71 से 80 बी प्लस, 61 से 70 बी, 51 से 60 सी प्लस, 41 से 50 सी, 33 से 40 डी और 0 से 32 में ई ग्रेड होगा। मासिक मूल्यांकन के एक विषय के सभी 6 मासिक मूल्यांकन प्राप्तांकों का योग जो कि पूर्णांक 150 होगा, उसमें से अगर हम देखते हैं 136 से 150 ए प्लस, 121 से 135 ए, 106 से 120 बी प्लस, 91 से 105 बी, 76 से 90 सी प्लस, 61 से 75 सी, 49 से 60 डी, 0 से 48 ई ग्रेड होगा। मासिक मूल्यांकन के सभी 4 विषयों के सभी 6 मासिक मूल्यांकन के योग का प्राप्तांक यानी कुल पूर्णांक जो 600 है उसमें हम देखते हैं तो 543 से 600 ए प्लस, 483 से 542 ए, 423 से 482 बी प्लस, 363 से 422 बी, 303 से 362 सी प्लस, 243 से 302 सी, 195 से 242 डी और 0 से 194 ई ग्रेड होगा। आपके सुविधा के लिए इस शीट का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक लिंक के रूप में, जहां आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उपयोग में ला सकते हैं।
आगे देखते हैं त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक के प्रत्येक विषय का प्राप्तांक जो कि 50 पूर्णांक है उसमें से 45 से 50 ए प्लस, 40 से 44 ए, 35 से 39 बी प्लस, 30 से 34 बी, 25 से 29 सी प्लस, 20 से 24 सी, 16 से 19 डी और 0 से 15 ई ग्रेड होगा। इसी तरह त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों का जो योग है पूर्णांक जो कि 200 होगा उसमें देखते हैं 181 से 200 ए प्लस, 161 से 180 ए, 141 से 160 बी प्लस, 121 से 140 बी, 101 से 120 सी प्लस, 81 से 100 सी, 65 से 80 डी और 0 से 64 ई ग्रेड होगा। इस शीट के माध्यम से आप आसानी से अंतिम मूल्यांकन परीक्षा फल पंजी जो कि फर्द है आप भर सकेंगे। यहाँ पर आपको कक्षा 1-2 के लिए इस फार्मूला का जो वीडियो है और कक्षा 6-7-8 के लिए जो फार्मूला का वीडियो है दिखाई दे रहा है, आप यहां से क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।